हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज बहुत ही एक खुशी का मोमेंट है, और वो मोमेंट इस प्रकार से है कि आज हमारे पूरे सिस्टम में एक और एप्पल का प्रोडक्ट शामिल हो गया है, और उस प्रोडक्ट का नाम है एप्पल अल्ट्रा वॉच 2। मतलब आप समझिए कि इसको खरीदने के लिए ना एक प्लानिंग तो जरूर करनी पड़ती है, परंतु मैंने इंडिया से नहीं ली है, बाहर से मंगवाई है। तो उसके बारे में कितना इसका प्राइस होगा उसके बारे में जरूर बात करेंगे, और कहाँ से मंगवाई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये है एप्पल वॉच का अल्ट्रा 2 का बॉक्स। इसे मुझे अनबॉक्स करना है, परंतु क्योंकि मैं अकेला ही हूं तो मुझे खुद ही इसको ओपन करना पड़ेगा। यदि मैं इसको चारों तरफ से दिखाऊं तो इस प्रकार से है ये वाला। यहाँ पे ये सीरियल कोड वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह इसकी दी हुई है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और अनबॉक्सिंग करना एप्पल का ना वैसे हमेशा से ही बड़ा आसान रहा है, और एक बहुत ही गुडविल एक्सपीरियंस ये रहा है। तो इसको ओपन करते हैं, और इसको ऐसे करना होगा, और उसके बाद में ये वाला जो स्टेप है इसको उठाते हैं। तो पहली बार उसको हम खोल रहे हैं, तो यहाँ से हमने ओपन किया, और इसके बाद में इधर से भी इसको ओपन करते हैं, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है तो दूसरे हाथ में ये इस प्रकार का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से इसको ओपन करने के बाद एक ऐसा एक्सपीरियंस ये हमारे सामने होता है। तो कुल मिला के ये वाला प्रोडक्ट हम निकाल दें साथ में। तो ये तो है घड़ी हमारी, इसको साइड में रखते हैं, और ये है इसकी स्ट्रिप, यानी कि जो इसके साथ में अटैच होगा, और ये इस प्रकार से मतलब एक माउंटेन वगैरह इस प्रकार का, जो जैसे अल्ट्रा वॉच 1 में था ना, अल्ट्रा 1 वॉच का था, उसी प्रकार का सेम है ये फोटोग्राफ है। तो यहाँ पे इसके अंदर एक बुकलेट से मिलती है, और इस बुकलेट के यदि हम देखें तो किस प्रकार से इसकी क्या गाइडलाइन वगैरह है, कैसे इसको सेटअप करना है, वो सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। इसको बाद में देखेंगे। अब हमारे सामने है ये दो प्रोडक्ट, एक तो ये स्ट्रैप है और दूसरा है हमारे पास ये घड़ी। तो दोनों को हम अब ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिसको हम ओपन करेंगे वो करेंगे इसको, और यदि हम इसको पलट दें, पलटने के बाद यहाँ से देखें तो कार्बन न्यूट्रल का एक बैज यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्पल के बारे में लिखा हुआ है, अल्पाइन लूप है ये बता रखा है, और ये टाइटेनियम जी हुक क्लोजर है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई है। अब क्योंकि एक हाथ से मैं लग रहा हूँ तो ऐसे इसको ओपन करना पड़ेगा मुझे एक हाथ से ही, क्योंकि दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ रखा है। ओपन हो गया। तो ये वाली जो स्ट्रिप है इसे फिलहाल यहाँ पे लगा देते हैं, और इसे करते हैं ओपन। ही यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ ऐसी है, और निकाले तो इसको ऐसे ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन वगैरह मिलेंगी जो पढ़नी चाहिए, परंतु हम लोग को भी नहीं पढ़ते, इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पे ये है हमारी मेन चीज, इसे हमें पकड़ना होगा, तो इससे निकाल लेते हैं, और ये हमने निकाल लिया। ये निकालने के बाद फिर हमारे पास बच जाती है एप्पल वॉच, और एप्पल वॉच को हमें अनबॉक्स करने के लिए यहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे यहाँ से ओपन करते हैं। ये हमने एक उतार दिया है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसको भी निकाल लेते हैं, और ये भी हमने निकाल दिया, और अब ये हमारे सामने एक बॉक्स है। बॉक्स ओपन करते हैं ऐसे, वाव। और सबसे पहले हमारे सामने ये है घड़ी, और ये है मेन चीज, 90,000 का ये सिस्टम है हमारे पास। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ब्रेडेड केबल दे रखी है, और इसको भी हम बाद में निकाल लेंगे, सबसे पहले हम वॉच को देखते हैं। दोस्तों ये है हमारी फर्स्ट लुक घड़ी की, काफी शानदार दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ सुथरी। और इसके अंदर हम अपने एल्पाइन लूप को अब अटैच करेंगे, और फिर हाथ पे पहन के, और फिर आपको दिखाते हैं। और हमने इसको मोबाइल से अटैच भी कर दिया है, अभी टाइमिंग आप देखिएगा, पासपोर्ट यहाँ पे, परंतु यदि टाइम देखना हो तो ये टाइम अभी 6:59 जैसा दिखा रही है। और इसको यदि साइड में हम रखते हैं तो ये हमारे पास है एल्पाइन लूप, ये भी काफ़ी शानदार है, इसको देखिएगा यहाँ से, और ये इसमें इधर इस घड़ी के अंदर ऐसे डल जाएगा, और जो ये वाला है ये दूसरी साइड में डल जाएगा। तो अल्पाइन लूप को इसके अंदर डाल लेंगे, और हाथ के ऊपर किस प्रकार से दिखाई देगी वो भी आपको दिखाते हैं। और फिर लास्ट के अंदर हमारी जो एक बात रह जाती है कि
इसका रेट कितना है, कितने के अंदर ये पड़ी है, यानी कि बाहर से मंगवाई है तो कितने रुपए के अंदर इसका मतलब टोटल खर्चा हुआ है वो बताते हैं आपको। दोस्तों हमने कर दिया है इसको ऑन, अभी हमारे सामने इसका लोगो है और ये दिखा रहा है कि अपने मोबाइल को इसके साथ में लेके आइएगा ऐसे कुछ। एक बार मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने मोबाइल से और फिर आपको दिखाते हैं बाकी का। दोस्तों अब इसको हाथ पे बांध लिया, कलाई पे बांधने के बाद देखिए कैसे दिख रही है, और ऐसे करके दोबारा करेंगे तो टाइम इसमें के अंदर आ गया, यानी कि 5-7 मिनट हमारी लग गई है। अब 7:05 हो गई है और हमारे पास अब प्रोडक्ट हो गई है। एप्पल की मैकबुक हमारे पास है, एप्पल का आईफोन हमारे पास है और एप्पल वॉच भी हो गई है। और क्या इसके फंक्शन है, कौन कौन सी एक्टिविटी ट्रैक कर सकती है, इसका क्या क्या फायदा हो सकता है वो आपको बाद में बताएंगे। सबसे लास्ट के अंदर जो बात आती है वो आती है कि कितने रुपए की ये घड़ी पड़ी, मतलब टोटल इसके ऊपर खर्चा कितना हुआ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इंडिया से नहीं परचेज किया है, सिंगापुर से इसको लिया है, और सिंगापुर से जब इसको लिया तो ये 72,000 यानी कि 72,000 की टोटल इसमें कॉस्ट आई है, और यहाँ पे इंडिया में बात करें तो 90,000, तो लगभग 18,000 का प्रॉफिट इसके अंदर हुआ है। और यदि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त या कोई भी जानकार आपका विदेश के अंदर है और कुछ फायदा आपको हो रहा है तो आप जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो इंडिया के अंदर फायदा कीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी में जीएसटी का फायदा, क्योंकि जीएसटी बूम फिर के हमारे डेवलपमेंट में ही काम आती है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।